वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा, उसको फुटबारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे, और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो वो पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान के चलते जहां एक तरफ देश के अंदर भारी विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। पुलिस की तरफ से FIR भी इस मामले में दर्ज की जा चुकी है, जबकि खाड़ी देशों की तरफ से भी काफी विरोध जताया गया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जा चुका है। इधर नुपुर शर्मा की टिप्पणी और उसके उपजे विवाद के बीच भाजपा की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान व्याप्ती विवाद पर भी बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है, भारत सनातन का देश है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान व्याप्ती में शिवलिंग है बल्कि फव्वारा नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारियों की टिप्पणी को घृणा भाषण करार दिया और मांग की कि आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। CM ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां से न केवल हिंसा होता है बल्कि सामाजिक विभाजन भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिठू मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।